हेलो दोस्तों तो आज हम बात करेंगे वेनम थ्री की आई हुई अपडेट्स के बारे में जो कि खासकर इसके टाइटल से रिलेटेड है और ये अपडेट खुद फिल्म के लीड स्टार टॉम हार्डी ने दिया है फैंस को कि वेनम थ्री को हम वेनम थ्री नहीं बल्कि लास्ट डांस से जानने वाले हैं तो जो लोग वेनम थ्री फिल्म की अपडेट फॉलो नहीं करते तो उनके लिए वेनम थ्री का ये टाइटल लास्ट डांस एक तरह से शॉकिंग और न्यू है क्यूँकी ये टाइटल अभी का नहीं है बल्कि टॉम हार्डी ने ये बात लास्ट डांस के नाम से दो में ही अनाउंस कर दी थी उस टाइम उस अपडेट को सारे बड़े मीडिया हाउस ने चलाया था कि हाँ शायद इस फिल्म का नाम यही होगा लेकिन बाद में काफी आर्टिकल में जैसी बातें निकल कर आ रही थी तो उससे लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें बढ़ने लगी थी लेकिन लोग उम्मीद लगा रहे थे एक गलत स्टूडियो से यानी कि सोनी पिक्चर्स से जिन लोगों को स्पेशल तौर पर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की बर्बादी के लिए जाना जाता है जो कि वो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि सोर्सेस के अकॉर्डिंग तो फिलहाल यही बात की जा रही है कि मल्टीवर्स सागा को अब मावल वाले क्लोज क्यों ना कर ले। लेकिन सोनी वाले तो फिलहाल तो इसी पैटर्न पर अपनी आगे की फिल्मे बनाते रहेंगे और स्पाइडरमैन यूनिवर्स को बर्बाद करते रहेंगे लेकिन इन सबसे अलग बात की जाए वैनम की तो टाइटल अनाउंसमेंट से ही टॉम हार्डी हम फैंस को ये जता देते हैं कि उनका वैनम के यूनिवर्स पर कितना ज्यादा कंट्रोल है टॉम बड़े दिल से चाहते हैं कि वेनम का स्पाइडरमैन से क्रॉसओवर हो जिसमें कि अभी के लिए तो टॉम हॉलैंड का ही स्पाइडरमैन है लेकिन सोनी वाले अपनी ग्रीन लाइट नहीं देते हैं और अगर सोनी वाले ऐसा कर भी दे तो मावल के केविन अपनी लेके आ जाते हैं और ये चीज मोरवियस और मैडम वेब जैसी फिल्मों में हम देख भी चुके हैं और अब इसी ट्रैक पर क्रेवन द हंटर भी बढ़ रही है अब ऐसी ही बैंड टॉम हार्डी की दोनों वेनम की बच चुकी है ऑलरेडी जिसमे की क्रिएटिव होने की चाहत में उन्होंने इसके तीसरे पार्ट में कुछ राइटिंग भी की है और अपनी तरफ ऐसी कुछ और एलिमेंट्स को ऐड भी कर दिया और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्पाइडरमैन के सिंबल हो मूवी में बाकी तो इस फिल्म की डायरेक्टर केली मार्स है जो कि मूवी मूवी की राइटर भी है और उन्होंने ये चुपचाप अंदर अंदर ही अंदर ऐसे बना ली कि इसकी एक भी डिटेल्स लीक नहीं हुई सिवाय इसके सेट इमेज के और फिल्म ऐसी उड़ती उड़ती फिलहाल तो यही डिटेल्स आई है की टॉम हार्डी का कैरेक्टर अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा है यानी छोटे स्पाइडरमैन को जिसको वो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उठा लेगा वैसे इसी तरीके वाली स्टोरी को मैडम वेब में भी लिया गया था जिसकी मेकर्स ने अच्छी खासी बैंड बजा दी थी और अगर यही स्टोरी वेनम थ्री में भी हुई तो वो काफ़ी ज्यादा स्टुपिड डिसीजन होगा हालांकि हमें उम्मीद ज्यादा लगानी नहीं चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो खुद टॉम हार्डी भी इस यूनिवर्स से अब अपना पैकअप करना चाहते हैं और वेनम थ्री के बाद कोई भी दूसरी वेनम यूनिवर्स की फिल्म नहीं करना चाहते फ़िलहाल तो इसी साल चौबीस अक्टूबर को ये फ़िल्म थिएटरों में आ रही है जहां ये फ़िल्म खुद का पैकअप ठीक से कर पाती है या नहीं ये देखना होगा बाकी आपका क्या मानना है कि वेनम फ्रेंचाइजी को अब स्टॉप कर देना चाहिए या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में आकर लिखना तो इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही ऐसे ही शॉर्ट्स बॉलीवुड और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आप देख रहे हैं सिनेमा एंड पॉपकॉर्न टिल देन बाय